नमस्कार। दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज के मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किस हिस्से में होगी बरसात, कैसा रहेगा तापमान का हाल और किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दो दिन पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बरसात का अंदेशा। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी हो सकती है भारी बारिश। कल छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अनुमान, तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज हवाएं और ओले संभव। असम के किसान अहू धान की रोपाई का काम जारी रखें, तो जम्मू कश्मीर में बटन मशरूम की तुड़ाई करें। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों से। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दो दिन गांगेय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा है। दो दिन ओडिशा में भी इक्का दुक्का जगह भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं कल और शनिवार को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं तेज बरसात के आसार हैं। दो दिन केरल में इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश का अनुमान बना हुआ है। वहीं शनिवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में शनिवार को तेज बारिश का अंदेशा है। शनिवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी भारी बरसात का अनुमान है। कल असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावनाएं हैं। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं, साथ ही ओले गिरने के आसार हैं। दो दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावनाएं हैं। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं और ओले गिरने की भी संभावनाएं हैं। बिहार और ओडिशा में इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा बना हुआ है। और वहीं कल राजस्थान में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं और धूल भरी आंधी चलने के भी आसार बने हुए हैं। तो जानिए आपने मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की और जान लेते हैं आगे आने वाले दो दिनों के दौरान देश के किस हिस्से में होगी बरसात और कहां मौसम रहेगा साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी शनिवार को इक्का दुक्का जगह बारिश के आसार हैं। वहीं अगले दो दिन उत्तराखंड में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। शुक्रवार और शनिवार को पंजाब में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही दो दिन हरियाणा और दिल्ली में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश का अनुमान है। शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। तो वहीं अगले दो दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं कल और शनिवार को पूर्वी भारत के गांगेय पश्चिम बंगाल में कई जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही शुक्रवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। दो दिन असम और मेघालय में कई जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। तो वहीं कल अरुणाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात की संभावनाएं हैं। शुक्रवार और शनिवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं। वहीं कल और शनिवार को ओडिशा में भी कई जगह बरसात का अनुमान है। कल बिहार और झारखंड में कुछ जगह बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर मध्य भारत की बात करें तो शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर बरसात के आसार हैं। कल और शनिवार को विदर्भ में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। वहीं अगले दो दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश की संभावनाएं नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही कल तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी इक्का दुक्का जगहों पर बरसात की संभावना है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। इसके साथ ही कल दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं शुक्रवार को केरल में कई जगह बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। तो जाना आपने मौसम पूर्वानुमान का हाल और जान लिया कि आगे आने वाले दो दिनों की अगर हम बात करते हैं तो देश के वो कौन से इलाके हैं जहां बादल बरस सकते हैं और कहां कहां मौसम शुष्क यानी कि साफ बने रहने की संभावनाएं हैं।
आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर के मौसम के हाल में क्या कुछ खास रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश हुई, वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात हुई। उत्तराखंड की बात करें तो इक्का दुक्का जगह यहां भी बादल बरसे। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात हुई तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बारिश हुई। छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का जगह बादल बरसे, साथ ही राजस्थान में कुछ जगहों पर बरसात हुई तो ओडिशा में भी कहीं कहीं बादल बरसे। अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में वर्षा हुई तो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में भी बरसात हुई। असम और मेघालय में कई जगह बारिश हुई तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगहों पर बरसात हुई। केरल में इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरसे। वहीं बात करें दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों की तो कुछ जगह यहां भी बरसात हुई। ओडिशा में कहीं कहीं तेज हवाएं चली तो असम और मेघालय में भी तेज हवाएं चली, साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना अपने मौसम के हाल के बारे में, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता देते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान का हाल। सबसे पहली बात अधिकतम तापमान की, सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं कोंकण, गोवा के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। रायलसीमा में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया, जबकि बिहार में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। इसके साथ ही उपमाले, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। साथ ही उत्तराखंड में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान सौराष्ट्र कच्छ के कांडला में रहा। कांडला में अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बात न्यूनतम तापमान की, गुजरात में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा तो वहीं राजस्थान में कई जगह तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं मध्य महाराष्ट्र में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसके साथ ही मराठवाड़ा में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया, जबकि गांगेय पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। और इस बीच देश में सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में रहा। अमृतसर में न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने तापमान की स्थिति के बारे में। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर और देखते रहिए मौसम खबर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की, और खेती किसानी में भी हम खास तौर पर आपको बताएंगे कि पहाड़ी इलाकों के साथ साथ हमारे जो पूर्वोत्तर के किसान हैं वो इस समय अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, और साथ ही आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं, तो ऐसे में किस तरह से सावधानियां बरती जा सकती हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। असम के किसान अहू धान की रोपाई का काम जारी रखें, साथ ही यहां के किसान अदरक और हल्दी के रोपण का काम भी जारी रखें। असम में मूंग और उड़द के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने का उचित प्रबंध कर लें। इसके अलावा यहां के किसान जूट और ग्रीष्मकालीन सब्जियों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई कर लें। आने वाले दिनों में असम में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। बारिश की संभावना को देखते हुए सब्जी फसलों में रोग और कीट प्रबंधन के लिए फिलहाल दवा का छिड़काव स्थगित कर दें। इसके अलावा असम में इस समय केले के पौधों का रोपण करें। नागालैंड और मिजोरम के किसान मक्का की बुआई जारी रखें। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां के किसान सरसों, चना और मटर फसलों की कटाई कर लें। घाटी क्षेत्र के किसान तिलहनी और दलहनी फसलों में फालतू पानी निकाल दें, साथ ही सब्जी फसलों में भी जल निकासी के उचित इंतजाम करें। यहां के किसान खरीफ मक्का की बुआई जारी रखें। जम्मू कश्मीर में जिन किसानों ने मशरूम की खेती की है, ऐसे किसान तैयार बटन मशरूम की तुड़ाई जारी रखें। साथ ही यहां के किसान धान की नर्सरी तैयार करें, जबकि हिमाचल प्रदेश के किसान सरसों और गेहूं फसल की कटाई जारी रखें। इसके अलावा मटर, फ्रेंच बीन, चारा, मक्का, लोबिया और सोयाबीन की बुआई जारी रखें। हिमाचल प्रदेश के निचले और मध्य पहाड़ी इलाकों में सूरजमुखी की फसल के साथ अंतर फसल लगाएं। यहां के किसान आम के बागों की लगातार निगरानी रखें। आम को मिलीबग से बचाने के साथ साथ संक्रमित फूलों को अलग कर दें। लीची में फल छेदक कीट के लक्षण दिखाई देने पर साइपरमेथ्रीन 10 ईसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। उत्तराखंड के किसान गेहूं की कटाई जारी रखें, साथ ही बाजरा और फ्रेंच बीन की बुआई का काम कर लें। यहां के किसान शिमला मिर्च की रोपाई कर लें। तो जाना आपने कि पहाड़ी इलाकों साथ ही साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारे किसान इस समय कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और अब बुलेटिन में आपको बताते हैं आज की फसल के बारे में, और आज की फसल है टमाटर। जी हाँ, टमाटर की अगर हम बात करें तो हमारे देश में इसकी खेती काफ़ी अच्छे स्तर पर की जाती है, और इसमें मौजूद पोषक तत्वों के चलते इसकी मांग भी काफ़ी अच्छी बनी रह सकती है। यानी कि अगर हमारे किसान इसकी खेती बेहतर तरीके से करते हैं तो वो अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। और कैसे करें इसकी खेती, आइए जानने के लिए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। टमाटर की रोपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। अभी रबी टमाटर की रोपाई का समय चल रहा है। ध्यान रहे कि सीमित बंटवार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर यानी लगभग 4 हाथ, और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर यानी करीब 3 हाथ होनी चाहिए, जबकि असीमित बंटवार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर यानी 4.5 या 5 हाथ, और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर यानी लगभग 3 हाथ होनी चाहिए। रोपाई दोपहर 3 बजे के बाद ही करें ताकि रात में पौध जम सके। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर दें, बाद में जरूरत के हिसाब से पानी देते रहें। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। टमाटर में कई तरह की बीमारियां लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। इसके लिए इंडोफिल M45 की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। विषाणु से फैलने वाला मोज़ेक रोग भी खतरनाक है। इससे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। नियंत्रण के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दें और फसल पर 2 ग्राम मोनोक्रोटोफॉस पानी में मिलाकर छिड़काव करें। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं, इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए मेलाथियन 50 ईसी की 1-1.25 लीटर दवा 600-800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़के।
तो जाना आपने टमाटर की खेती बेहतर तरीके से करके कैसे आप इसका अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और बुलेटिन में आपको बता देते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। केरल के किसान सब्जी फसलों और धान की बुआई करें। तमिलनाडु के किसान पपीता की फसल को मिलीबग से बचाने के उपाय करें। वहीं दक्षिणी आंध्र कर्नाटक के किसान रागी मक्का और सोयाबीन की बुआई का काम जारी रखें। यहां के किसान तिल मूंग और उड़द की बुआई का काम कर लें। दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में अदरक और हल्दी का रोपण कर लें। वहीं उत्तर प्रदेश के किसान तैयार गेहूं और सरसों फसल की कटाई कर लें। यहां के किसान काटी गई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में तैयार प्याज की खुदाई का कार्य कर लें। तो जान लिया आपने मौसम के अनुसार खेती की कौन कौन सी खास बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। घर आंगन हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे। के बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें यहां पर बता देते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं और चना फसल की कटाई कर लें। यहां के किसान फसल को थ्रेशिंग कर सुरक्षित स्थान पर रखें। राजस्थान में गेहूं और चना फसल की कटाई कर लें। यहां के किसान कपास की बुआई का काम कर लें। कोंकण के किसान तैयार मूंगफली की खुदाई और धान की कटाई कर लें। यहां के किसान काटी गई फसल को साफ और सुरक्षित स्थान पर रखें। वहीं मध्य महाराष्ट्र के किसान खरीफ फसलों की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर लें और साथ ही छत्तीसगढ़ में गेहूं, चना, सरसों और मसूर की कटाई का कार्य कर लें। तो जान लिया आपने मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। आइए अगले बुलेटिन में आपको बता देते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है मौसम के हाल में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा है। 2 दिन ओडिशा में भी इक्का दुक्का जगह भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं कल और शनिवार को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं तेज बरसात के आसार हैं। 2 दिन केरल में इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश का अनुमान बना हुआ है। वहीं शनिवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में शनिवार को तेज बारिश का अंदेशा है। शनिवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी भारी बरसात का अनुमान है। कल असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावनाएं हैं। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं, साथ ही ओले गिरने के आसार हैं। 2 दिनों पर हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावनाएं हैं। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं और ओले गिरने की भी संभावनाएं हैं। बिहार और ओडिशा में इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा बना हुआ है। और वहीं कल राजस्थान में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं और धूल भरी आंधी चलने के भी आसार बने हुए हैं। तो ये था मौसम का हाल और इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।